यार मैंने कहा चलो ये भी इंजॉय करते हैं, तो समुंदर पे तो इसका अपना ही मजा है। अर्तकल गाजी की फील आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह एक नई उम्मीद के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ, हमदा सादिक। कराची में आज हमारा दूसरा दिन है और आज नाश्ता नवाश्ता करेंगे अभी, और उसके बाद हम जाएंगे मनोरा पे। तो नाश्ता वाश्ता कर लें, उसके बाद मिलते हैं। क्यों माज भाई, कल कैसा दिन रहा आपका? कल का यार थकावट हुई थी इसलिए ज़्यादा हमारे एक्सप्लोर नहीं कर सके, तो आज इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का प्लान है, लेट्स सी क्या होता है। तो जी नाश्ता टाइम हमारा चल रहा है, आज थोड़ा लेट हो गया नाश्ता। तो सब्जी ट्राई की है, कीमा की है, ये इनकी यार ये स्पेशल कोई चटनी है यहाँ पे बड़ी मज़ेदार। तो कराची पोर्ट से हम निकल चुके हैं और ये देखें इन्होंने ऐसे इसको फुल किया हुआ है जैसे लाहौर में कोई मरीज 11 नंबर वैगन है जो बाद रोड पे चलती थी ना वो इस तरीके से फुल भरी होती थी, वैसे ही सूरत हाल इनकी बोर्ड की है यहाँ पे। तो प्राइवेट बोर्ड है, 100 रुपया लेती है यहाँ से, ये मनोरा ड्रॉप करेगी और जाके विजिट करते हैं वो कैसी जगह है। सुनने में तो आया कि यार बड़ी प्यारी है। तो जैक्सन मार्केट से हम निकले थे और 10 मिनट की पैदल वॉक के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब आगे जाके आपसे मिलते हैं। देखें यार क्या शानदार मंजर है, ज़बरदस्त। जब से बोर्ड निकली हुई है ये भी साथ साथ ही आ रहे हैं, लोग चीज़ें डाल रहे हैं और ये बिल्कुल पीछे पीछे परिंदे हैं ये बड़े ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, मज़ेदार। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं मनोरा आइलैंड पे, तो अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ, मनोरा बीच की तरफ। और इसकी टिकट जो है वो 30 रुपये आजकल चल रही है। तो बाकी यार बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी मज़ेदार जगह है, बड़े मज़ेदार जहाज हैं हमारे साथ। तो भाई परिंदों ने भी बड़ा इंजॉय किया। मैक्सिमम है ये जी कोई 700-800 मीटर की वॉक है, और जिससे पूछ रहे हैं कोई 2 किलोमीटर बता रहा है, कोई 3 किलोमीटर बता रहा है। अब एक बंदे ने तो हद ही कर दी, कहता अभी यहाँ से 4 किलोमीटर रहते हो, ये सामने बीच आ चुका है। अच्छा यार कराची की गर्मी के बारे में आपको बता दूँ, बड़ी मशहूर थी, हमें तो इतना नहीं पता था, सुना हुआ था। तो यहाँ पर आके आपके सामने सूरत हाल ये है कि ये देखें हाफ बाजू हमने पहने हुए हैं, और दोस्त जो मेरे साथ हैं उन्होंने तो सन ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या ब्लॉक लगाया हुआ है मुंह पे, ठीक है। तो बड़ी यार आजकल भी बड़ी गर्मी है, इवन के अब दिसंबर का महीना भी ख़त्म हो गया, जनवरी आने वाली है। तो जहाँ के लोग जो बताते हैं वो कहते हैं कि यार जो पंजाब से लोग आते हैं स्पेशली उनके लिए ये वेदर है यहाँ पर घूमने का, कि ये बहुत अच्छा वेदर है। आजकल भी गर्मी है तो, लेकिन अगर आपने भी घूमना है, आप इन एरिया से आते हैं, तो आप दिसंबर जनवरी में कराची में आएँ लाजमी। तो मनोरा बीच पे हम पहुंच चुके हैं, इसके बिल्कुल सामने जो है वो पाकिस्तान नेवी की एकेडमी है। और ये देखें आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, ये मनोरा बीच है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब थोड़ा इसके करीब चलते हैं और करीब जाके इसको देखते हैं। यार वैसे आजकल पानी जो है ना समुंदर में ना ठंडा है ना गर्म है, बड़ा जबरदस्त पानी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ पंजाब वालों, अगर आपने नहीं कराची देखा हुआ ना लाहौर वालों, और आपको गर्मी भी बड़ी ज्यादा लगती है, इवन की अभी भी है, लेकिन आजकल का मौसम है कराची को विजिट करने का। आह हा क्या बात है यार, जबरदस्त फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा समुंदर में और बड़ा ही मजा आ रहा है, जबरदस्त। चेक करें आप कैसे समुंदर की लहरें आ रही हैं, क्या जबरदस्त इनका व्यू है। अर्तकल गाजी की फील आ रही है, पर भगा नहीं सकते इसको ज्यादा, चेक करें जरा। ओए यादा भज रहा ही भाई, सही है सही है सही है, हो गया तेज हो गया तेज हो गया नादरीन, चेक करो जरा। यार आज का दिन तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है, समंदर कह रहा है कि मेरे पास से जाओ ही ना, हम भी बैठ गए हैं, हमने सोचा है कि चलो अब शाम हो रही है तो 15-20 मिनट तक और मज़ीद सूरज नीचे आ जाएगा, तो सनसेट का नज़ारा लेकर जाते हैं।
के समुंदर को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। आज हमने विजिट किया है मनोड़ा बीच और सूरज अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं ग़ुरूब हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त आज का दिन हमारा रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया यहाँ पे और काफ़ी ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा होटल यहाँ पर बना हुआ है, डेस्टिनेशन होटल है बाय ड्रीम वर्ल्ड का और काफ़ी अच्छा है, व्यू इसका बड़ा ज़बरदस्त है आप देख सकते हैं। तो यार बड़ी अच्छी जगह है, लाजमी विज़िट करें जिसने ये नहीं देखी हुई, मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, बहुत 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 हमें मज़ा आया, ज़बरदस्त। ये देखो यार हम ये वापस आ रहे हैं मनोड़ा बीच से, ये हमारे कैप्टन साहब हैं और खूब रश हो रहा है इधर और ये नीचे ये रेस, कैप्टन साहब इसे रेस देते हैं, ये गियर है और गियर चेक कराते हैं आपको, ये नीचे गियर है जी, क्या बात है, सीटें हैं भाई, ये सीटेड भाई है, स्पेशल गाय जी आज हमें आज अपने पास बिठाए और दिखाए जी कैसे चलती है। तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, ये भाई साहब ने दूसरा गियर आई थिंक लगा दिया, क्या इनको दिखा नहीं सकते क्योंकि इनकी आंखों में अगर लाइट पड़ी तो आगे देख नहीं सकेंगे, आगे बिल्कुल अंधेरा है और बोट में रश भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा यार ये गवर्नमेंट की है, ये चलती है कराची पोर्ट से और ये मनोड़ा बीच तक जाती है, इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है, लोगों को वहाँ पर ड्रॉप करती है और फिर उसी टाइम के अकॉर्डिंगली ये वापस भी आती हैं, तो बड़ी यार लग्जरी है, ज़बरदस्त है। वैसे हम तो जिसमें आए हैं वो लॉन्चेस और वो तो बड़ी आपको आप देख ही लेंगे वो ब्लॉग में वो कैसी थी और ये कैसी ज़बरदस्त है, तो चलें गवर्नमेंट ने कुछ तो अच्छा काम किया हुआ है, ज़बरदस्त, ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कराची पोर्ट के सामने वाली सी फूड स्ट्रीट में हम आ चुके हैं, करो यार कैसी कैसी ज़बरदस्त मछली, ये कौन सी है भैया इसका क्या नाम है, ये कुंद है बड़े भाई, कुंद है जी ये मछली, और आगे ये वाली ये दंदिया है, दंदिया, काफ़ी किस्म की मछलियाँ पड़ी हैं यार, और ये तो आपको पता ही है फिर झींगा, ये कौन सी कटी पड़ी है जो, ये फिंगर है, इसके बाद भी हो जाता है ना। लो जी मुश्का साहब आ गई हैं हमारे काबू, ये इनको आज खा के चेक करते हैं, जबरदस्त कर दो यार, ये कराची में आके तो यार हम मछली वाले ही हो गए हैं, चेक करें आज फिर, आज हमने दूसरी मछली को ट्राई की है, ग्रिल फिश फिश है और ये वही है झींगे, कराची की सी फूड राशिद सी फूड आज यार ये भी ट्राई की है हमने यहाँ के गुलाब जामुन और आप देख सकते हैं ये हर जगह कराची में तकरीबन लगे हैं, हमने कहा चलो आज ये भी इधर ट्राई करते हैं तो खा के देखते हैं ये कैसा है। ओके दोस्तों अल्लाह हाफिज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।